नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से एक सवाल पूछा है। बता दें आपको, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा है कि कब तक बिहार में अपराध, हत्या, लूट जैसी वारदात की घटना घटते रहेगी, आखिर कब तक लोगों को यह झेलना पड़ेगा, बिहार में कोई लोग सुरक्षित नहीं है। यह बड़ा सवाल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर दागा है। वहीं पर बता दें कि लालू प्रसाद यादव अपराध के मुद्दे को उठाकर एक बार फिर से सुर्खियों में बन गए हैं। लालू प्रसाद यादव का मानना है कि बिहार में कोई लोग सुरक्षित नहीं है। खास वजह यह है कि बिहार में बैंकों और ज्वेलरी के शॉपों को लूटा जा रहा है और नीतीश सरकार चुप बैठी हुई है। नीतीश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था विफल है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने यह बड़ा सवाल दागा है नीतीश कुमार पर। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया है कि 2025 में जनता बदला लेगी। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी और इस बार बदला लेगी। खास वजह यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और सत्तारूढ़ के साथ बैठकर नीतीश कुमार अपनी रणनीति बना रहे हैं और विकास के दृष्टिकोण से वो कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी बिहार की जनता को झुनझुना थमा रहे हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को झुनझुना दिया है। यहां तक नीतीश कुमार अब विशेष राज्य के दर्जे से अपने आप को पीछे कर लिए हैं, लेकिन राजद जो है इस विशेष मुख्य मुद्दे को उठाते रहेगी। जैसा कि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी इसी मुद्दे को लेकर अब जनजन तक पहुंचेंगे, तो वहीं पर आपको बता दें लालू प्रसाद यादव अब बैठकर ही एक नई रणनीति बना लिए हैं कि आने वाले विधानसभा में अब विशेष राज्य का दर्जा एक अहम मुद्दा होगा। तो अब एक और मुद्दा जो है इसी में जुड़ गया है, वो है अपराध। जैसा कि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव लगातार सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए सवाल दाग रहे हैं, तो उनका कहना है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचारी सरकार हो गई है, नीतीश सरकार भ्रष्टाचार के तराजू में अपने आप को बैठा लिए हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का मानना है कि बिहार के जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो वापस घर नहीं जा पा रहे हैं और यह जंगल राज नहीं तो क्या है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।